हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल साइना टेक्नोलॉजी किचन। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे टमाटर और प्याज का परांठा। ये परांठा हम फ्राई परांठा बनाएंगे। ये देखिए, फ्राई पैन को मैंने गैस पे रख दिया है, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे। अब हम आटे को मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसके दो बाउल जैसे बनाएंगे, इसके दो बॉल बनाएंगे। इसकी दो चपाती बनाएंगे हम, बीच में टमाटर और प्याज को भरेंगे इसे। पहले हम एक चपाती बनाएंगे इसे, इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे हम, इसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे। अगर हम इसको पतला करेंगे तो हमारे जो टमाटो है, प्याज है, वो बाहर निकल सकता है। इसलिए इसको हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब हम इसके बीच देखिए प्याज डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे। ये देखिए, ऐसे प्याज डालेंगे और कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर हम पतला पतला कटिंग करेंगे, ऐसे छोटे छोटे पीस करके, जैसे मैंने प्याज को कटिंग किया है वैसे टमाटर भी हम पतला पतला कटिंग करेंगे ऐसे। देखिए ऐसे। अब हम हल्का सा नमक डालेंगे इसमें, हल्का सा नमक डालेंगे ऐसे, हल्का हल्का डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और हल्का सा इसमें गरम मसाला डालेंगे और हल्के से इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। ये देखिए ऐसे, मिर्ची थोड़ी सी तेज़ डालेंगे क्योंकि तभी हमारा परांठा जो है वो तीखा बनेगा ऐसे। किसी और डाल लेती हूँ थोड़ी सी, ये देखिए। और हल्की सी हम अजवाइन डालेंगे ताकि एसिडिटी ना हो। ये देखिए, ये देखिए मैंने एक और चपाती बनाई है। इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे ऐसे। इसकी साइडें ऐसे बंद करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर है और प्याज है वो बाहर ना निकले, ऐसी साइडों को बंद कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, अब हम इसको फ्राई पैन में डालेंगे। गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा परांठा जो है बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा टमाटर और प्याज का परांठा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको
इसके ऊपर सॉस डालेंगे। ये देखिए सॉस के साथ खाएंगे इसको ऐसे। तो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।